तक देखो, एक तो यहाँ पे जख्म हुआ भाई दोस्तों, फाइट बहुत तगड़ी। नो ओ भाई दोस्तों, मैं स्टेला को भाई कट के बिल्कुल मुंह को छुटाना चाह रहा था यार, तो बच गई इनकी लड़ाई। अब ये भाई ने चेक कर लो इनका चोट कहाँ कहाँ लग गई। ओह हट, सांस चढ़ रहा था, सांस चढ़ता स्टेला रुक। ये देखो दोस्तों, एक तो यहाँ दांत लगा इसके, ठीक है, और यहाँ सोच नहीं था रोक सके, देख लो नाक पे से खूनी खून निकलने लग रहा। हटो हटो ना वो हमें, ये देख रहे क्या, ये जख्मी भाई में हो गया एक्चुअली, ने छुटाने के तो मेरा चोट मारी नहीं, ये देख रहे, ये देख लो भाई गुस्सा देख लो अभी मैं सब खोलना चाह। दोस्तों अभी ये भाई हमारी बच्ची है, डॉलर की बच्ची, तो कि भाई चॉकलेट कलर में डॉलर की बच्ची है, बस इसको साफ करके तब पता चलेगा। दोस्तों हेलो एवरीवन, कैसा हो सब, मेरा नाम चिराग एंड यू वाचिंग कैंडी मैच चैनल। तो भाई आज कैमरे में कैद होगी एक खतरनाक दृश्य, आपने देख लिया होगा अभी टोक्यो का। टोक्यो सिम्बा की तरफ एग्रेशन दिखा रही थी, सिम्बा खाना खा रहा था तो टोक्यो भाई एग्रेशन दिखा रही थी कि भाई खाना क्यों खा रहा, ठीक है, क्योंकि ये बाहर थी वो अंदर था, वो अच्छे से मजे से खाना खा रहा था और ये दिखा रही है अपना एग्रेशन। तो अब ये जागी बाहर होगा, चल ये ताक में है ना, नहीं सारा तू नहीं, सोफी नहीं चिपट जाएगी तेरे, सोफी तेरा सोफी सोफी सोफी। अच्छा तो दोस्तों भाई टोक्यो के साथ ये खिला पाती नहीं कर सकते हम, बिकॉज ये भाई चिपट जाती है, बड़ी डेंजरस मूड में आ जाए उसके खाने के पास कोई जा, और कोई मैं नहीं, मैं तो जा सकता हूँ, मेरा कुछ नहीं है, बात तो सही है, अदर डॉग्स जाएगा तो इसे बर्दाश्त नहीं है वो चीज़ें। चल इसने खा लिया, चल तू दोबारा टिट गाइस। सोचा नहीं था भाई मैंने आज इतनी भयंकर लड़ाई होगी स्टेला की, और स्टेला वैसे तो कितनी कमजोर हो रही बट इतनी भयंकर लड़ाई होगी यार, मैं सोचा नहीं था, रोक सके देख लो नाक पे से खूनी खून निकलने लग रहा। हटो हटो, और स्टेला भी भाई जख्मी होगी ये देख लो, और भाई सबसे ज़्यादा जख्मी कौन हुआ ना वो हमें, ये देख रहे क्या, ये जख्मी भाई में हो गया एक्चुअली, ने छुटाने के चक्कर में दोनों के दांत लग रहे थे तो मेरे दांत लग गए इनका, ये देख लो। अब सोचा नहीं था मैंने तो कि मेरा भी लगेगा, क्योंकि मैं रोक्सी का मुंह पकड़ के बिल्कुल मुंह को छुटाना चाह रहा था यार, तो बच गई इनकी लड़ाई। अब ये भाई ने चेक कर लो इनका चोट कहाँ कहाँ लग गई। ओह हट, सांस चढ़ रहा था, सांस चढ़ता स्टेला रुक। ये देखो दोस्तों, एक तो यहाँ दांत लगा इसके, ठीक है, और यहाँ से पकड़ रखा था, एक यहाँ पे भी जख्म है, और कान क्योंकि भाई रोक्सी ने पकड़ रखा था। अब किसको मारूं किसको नहीं समझ में नहीं आता। रोक्सी, अब रोक्सी का नाक फट रहा भाई, देख लो अटैक भाई पूरा करा इसने भी, और मेरा देख लो यार क्या हालत हो रही, कितना तगड़ा जख्म हो गया भाई, ये बस को साफ करके तब पता चलेगा। दोस्तों कितना गुस्सा आ रहा है, सारा कहीं नहीं आता जब गुस्सा आ रहा है दोस्तों, से पूरा गुस्सा आ रहा है इस टाइम स्टेला को। स्टेला शांत बेटा शांत, आ जा इधर, इधर चल इधर, जल्दी आ जा जल्दी आ दोस्तों, पूरा पूरा ज़्यादा इसे अब दिखाऊँ आपको बाहर आके, ये देख लो खून, ये जख्म कर दिया यार इसने, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था स्टेला को आज, अगर मैं ना होता ना भाई ये कटका मरते दोनों के दोनों आपस में, कटका मर जाओ आपस में। तो दोस्तों आप हालत देख रहे होंगे मेरी, इतना ज़्यादा यार लड़ाई कभी नहीं होती, लेकिन बस सबसे बताऊँ ना मेरे डॉग्स में यार स्टेला की रोक्सी पता नहीं क्यों बजे इनकी, मतलब बजती चली रहे यार, और आपने इसमें देख लिया होगा स्टेला कितने खून मतलब खुन्नस हो रही थी उसका, उसने भाई इस पर सारा पर भी यार अटैक करने की कोशिश करी, और अपनी हालत देख लो यार कितनी चोट लगी भाई अपने, देख रहे दोस्तों। तो दोस्तों भाई डॉग्स है अपने खुद के तो इतने तो लगती रहे, अब देखो कैसे सोगी। इन्होंने दोस्तों मेरे चोट मारी नहीं, देख रहे ये देख लो भाई गुस्सा देख लो अभी भी मैं सब खोलना चाह, कितनी खुन्नस हो रही रे, बस बस तू वहीं रहो। दोस्तों मैं सब खोलना चाह रहा था तो कंप लगी, तो भाई अभी सब बेटर यही रहेगा कि मैं स्टेला को ऊपर भेज दूँ, तो सबसे पहले बेटर भाई यही रहेगा। रोक्सी अपना नाक दिखाई बेटे, रुक जा रुक 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 रुक, तो दोस्तों रोक्सी दिखा रुक रुक जा रुक, तो भाई ये देख लो तू अंदर ही रहो बच्चे, अभी अंदर रहो अभी बाद में देखूँ, पहले स्टेला को चेक करूँ। स्टेला खून क्यों खोल रहा तेरा, ए काफरी दिखाइए। तो दोस्तों एक देखो, एक तो यहाँ पे जख्म हुआ भाई
दोस्तों फाइट बहुत तगड़ी। नो ओ भाई दोस्तों मैं स्टेला को भाई ऊपर भेज दूँ, ये देखो यहाँ भी जख्म हो गया इसके, कंप लग रही। नहीं नहीं प्रशांत, नो नहीं स्टेला, नहीं नहीं कंप को लग रही। दोस्तों बहुत ज़्यादा एग्रेसन के मूड में, चल भी आगे भाई, चिल्लाना पड़ रहा मुझे इन पर क्योंकि भागते नहीं, अगर मैं ना चिल्लाऊँ ना भागते नहीं। बस इन्हें ऊपर भेज दो, ऊपर भेजने के बाद उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस अभी सरप्राइजली भाई निकल के पास आ गया और भाई देखेंगे उनके डॉग्स वगैरह क्या कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत टाइम मिला था जिसकी वजह से भाई मैं यहाँ आया हूँ। उसके बाद भाई स्टेला को ऊपर छोड़ दिया और जस्ट थोड़ी दूर रह गया निखिल। तो गाइस आते सार भाई यहाँ पे क्लिप होगी तगड़ी सी, आप क्वालिटी बताइए फीमेल की कैसी है। अमेरिकन बुली की फीमेल है जो कि भाई चॉकलेट कलर में, डॉलर की बच्ची है और 40-42 दिन की होगी शायद ये, तो भाई 40-42 दिन की होगी, रेडी फॉर सेल है। एक ही बच्ची अवेलेबल है, इसका एक भाई था जो कि सेल हो चुका है। और भाई ओनली फॉर क्वालिटी लवर्स के लिए, किसी को अगर लेनी हो क्वालिटी तो आप ले सकते हो भाई। क्वालिटी देख लो कितनी ज़्यादा जहर क्वालिटी है, बच्ची बहुत ज़्यादा अभी थोड़ी सी नर्वस हो रही ना, हमने सपील से बैठा रखी जिस वजह से बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही, डर सी रही, इसलिए कप कप इसी इसकी बदरी। ये देख लो दोस्तों जो फीमेल है ना, इन सब के साथ भाई मस्ती कर रही, पूरी ज़्यादा खेल ली और ये कुछ नहीं कहते भाई दोस्तों इन्हें, देख लो कि ज़्यादा प्यार सा हो रहा है इनके बीच में, बस इसके साथ खेलती रहेगी और कुछ नहीं कहते। ये देख लो सारे सारे ऐसे हो रहे नोटी बच्चे। तो गाइस देखो भाई क्वालिटी एक बार, ये तो भाई फीमेल है जो गोल्डी है, इसका नाम गोल्डी है ना, इसका नाम गोल्डी फीमेल, देख लो 7 महीने के आसपास की हो रही। क्वालिटी देखो भाई कितनी ज़बरदस्त है। और एक ही है भाई, इसका क्या नाम रखा है, रिक्सी ट्रिक्सी। तो भाई एक ट्रिक्सी यार बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी, इसको ना पारो वगैरह हो गया था, बहुत ज़्यादा बीमार थी लेकिन अब उससे इम्प्रूवमेंट हो गया, अब सही हो गया। दोस्तों अभी है भाई हमारी बच्ची है डॉलर की बच्ची, तो एक बार देख के बताइए कैसी है। 6.5 महीने इसकी एज हुई और रुक जा पीछे रहो तू, हाँ 6.5 की भी नहीं हुई, तो 6 महीने कुछ दिन की हुई दोस्तों यार। उसकी क्वालिटी देख के बताइए भाई कैसी लग रही, इसके पास में ट्रिक्सी है। तो गाइस फाइनली भाई सोने का टाइम हो गया और भाई यहाँ देख लो हाथ पे बैंडेड बंद की, किसकी वजह से भाई स्टेला की। और दोस्तों स्टेला भाई आज वाकई में बहुत ही ज़्यादा यार मतलब कि एग्रेशन में है सुबह से ही, पता नहीं क्या हो रहा है इसके, कौन से दौरे से कट्टे इसके, तो पता नहीं सुबह से ही वो सिस्टम चल रहा है। दोस्तों अभी भी गुस्से से मैं फील हो जाया, मैं आपको अभी एक सीन दिखाता हूँ, अब दिखाऊंगा दोस्तों, अब देखना आप सीन, खतरनाक वाला सीन देखो। मैंने डंडी उठा लिया हाथ में, डंडी उठाने के बाद सबके रिएक्शन नॉर्मल है, सबके नॉर्मल है, सब डर ही गए, बल्कि अब देखो ये देखो ये निकली कहीं से बाहर, देख रहे दोस्तों इसके रिएक्शन देखो आप, ये देखो तो दोस्तों बस परेशान नहीं करता मैं से और अगर भाई आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और भाई वीडियो को यार शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा ताकि मोटिवेशन मिल सके हम जैसे एक छोटे से स्टार्टिंग जो बिगिनिंग हम कर रहे उसके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।